हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 22 ऑफ क्लास 12th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1, दैट इज़ योर C++ रिवीजन टूर. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फंक्शंस. फंक्शंस इन C++ में फंक्शंस क्या है, तो चलिए इसको पहले डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. फंक्शंस क्या है? फंक्शंस आर द सब पार्ट, या फिर ए फंक्शन इज ए सब पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, इज ए सब पार्ट of a program which can be reused as and when required. Function kya hai? The functions is a sub part of a program which can be reused as and when required. ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं. सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं. आप मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छा, आप कोई रेसिपी आप बनाते हो. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप कोई रेसिपी बनाते हो. मान लेते हैं कि आप एक बिरयानी का रेसिपी बना रहे हो, आप वेज बिरयानी है या जो भी बिरयानी है, आप उसका आप बहुत अच्छा आप उसको बनाते हो. अब आपके फ्रेंड्स हो गए या फिर कलीग्स हो गए या फिर कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपके उस डिश को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उसको वो रेसिपी बताओ. तो क्या हुआ कि हर एक दिन कोई ना कोई आपके फ्रेंड या कोई ना कोई कली आ रहे हैं और आपसे वो रेसिपी आपसे पूछ रहे हैं. अब क्या हो रहा है कि आपको क्या करना पड़ा है, मान लीजिए उस रेसिपी को बनाने में हमको 10 या 20 स्टेप्स जो भी लगे, तो हम लोग हर बार जब भी कोई भी आ रहा है पर्सन, तो हमको वो हर एक स्टेप को 1 by 1 एक्सप्लेन करना पड़ रहा है. तो उससे क्या हो रहा है, मेरा एनर्जी, मेरा टाइम, हर एक चीज़ मेरा वहाँ पर वेस्ट हो रहा है. तो उसके लिए हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ काम करें कि एक जो भी रेसिपी है आपकी बिरयानी की, जो भी रेसिपी है बिरयानी की, जो भी रेसिपी है उसको हम एक पेपर में लिख देते हैं. स्टेप बाय स्टेप जितने भी स्टेप्स हैं हम उसको एक पेपर में लिख देते हैं. अब जब भी कोई भी कलीग या फ्रेंड या जो भी आएंगे, तो उसको हम पूरा, हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है पूरे रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप. हम क्या करेंगे, उसको पेपर दे देंगे या फिर बता देंगे वहाँ वो पेपर है लगा हुआ, आप वहाँ से उस रेसिपी को नोट डाउन कर लो. मतलब उस रेसिपी का आपको जो भी आपको जानना है आप वहाँ पे देख लो. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं बार बार, हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, हमको बार बार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना पड़ा था, है ना. तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे एक बना लिए रेसिपी का, एक पेपर में एक रेसिपी का जो भी है आपने वहाँ पे लिख के रख लिया स्टेप्स, और उसके बाद जो भी आया उसको हमने उसको प्रोवाइड कर दिया. ठीक है, सेम उसी तरह हमारा, हम कह सकते हैं फंक्शन है. फंक्शन क्या है? इट इज़ अ सब पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम. अब हम इसको सब पार्ट क्यों कह रहे हैं वो बताते हैं. सब पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम विच कैन बी रीयूज्ड, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सब पार्ट हम क्यों बोल रहे हैं. मान लीजिए कोई एक हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम हमें छोटा सा, मान लीजिए आपको दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना, आपको दो नंबर को सम करना है. दो नंबर को सम करने का आप सिंपल से एक प्रोग्राम बनाओगे कि आप हेडर फाइल इंक्लूड करोगे, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन रहेगा, आप दो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे जैसे मान लीजिए ए और बी, उसके बाद मैसेज एक प्रिंट कराओगे एंटर एनी, एंटर एनी टू नंबर्स,
उसके बाद आप क्या करोगे, सी इन करोगे ए और बी को यूजर से इनपुट लेने के लिए। और उसके बाद आप क्या करोगे, मान लीजिए एक वेरिएबल और हम ले रहे हैं एस, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दे रहे हैं, और यहाँ पे सी आउट हम किसको कर दे रहे हैं, एस को, गेट सी एच ब्रैकेट क्लोज। आप क्या करोगे, एक प्रोग्राम आपको बोला गया सम करने का प्रोग्राम बनाओ, तो आप एक छोटा सा मान लीजिए आपने प्रोग्राम बना लिया। अब क्या है कि मान लीजिए ये पूरा जो सम करने का, ये दो नंबर को ऐड करने का आपका प्रोग्राम है। अब आप कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें आपको एक इतना सा तो काम नहीं चल जाएगा, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बन जाएगा, आपको एक बार से ज़्यादा बार आपको सम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सोच लो कि अगर आपको ऐड करने की ज़रूरत पड़ रही है बार बार उस प्रोग्राम में बहुत सारे जगह पे, तो आप इस पूरे कोड को अगर बार बार लिखोगे तो क्या होगा, वहाँ पे कोड का रिपीटेशन होगा। दूसरा क्या होगा कि वहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ लाइंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। मान लीजिए जो काम मेरा अगर 10 लाइन में हो सकता है, वो पता चला कि आपको वहाँ पे 20 लाइन का या 30 लाइन्स आपको यूज़ हो रहे हैं, मतलब आपका जो प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जा रहा है, आपका बढ़ जा रहा है। तो उस चीज को हम लोग रिड्यूस कैसे करेंगे, तो रिड्यूस हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। अब हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। अब कैसे बनेगा फंक्शन ये बताएंगे आपको। हम क्या करेंगे, ऐसा हमारे पास जो टेक्निक लगाएंगे कि कुछ ऐसा करें कि प्रोग्राम हमारा ज़्यादा लार्ज नहीं हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं प्रोग्राम का बढ़े। तो अगर ज़्यादा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होगा तो एरर आने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम ऐसा कुछ करें कि प्रोग्राम का जो कॉम्प्लेक्सिटी वो हमारा रिड्यूस हो जाए। तो फंक्शंस का हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शंस जो बनाते हैं, तो फंक्शंस में क्या करते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे मॉड्यूलैरिटी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम लोग प्रोग्राम्स को छोटे टुकड़ों में बांट दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि हमने क्या किया, एक सम नाम का मान लीजिए एक फंक्शन बना लिया, उस फंक्शन के जो सम नाम का फंक्शन है उसमें एक जगह पे हम लोग को कोडिंग कर लिए, और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जो फंक्शन को यहाँ पे बेसिकली बोलते हैं कॉल करना, आगे भी हम लोग देखें कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हम लोग सिर्फ फंक्शन का नाम सिर्फ लिखेंगे तो फंक्शन वो कॉल कर लेगा, और बार बार आपको वो पूरे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा हम क्या करेंगे, सीधा हम यहाँ पे प्रोग्राम जो बनाएंगे तो एक फंक्शन बना देंगे, उस फंक्शन का नाम कुछ रख देंगे, और जब भी उस प्रोग्राम में हमको कहीं पे भी सम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस सम वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो मेरा वो काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है, प्रोग्राम फंक्शन इज अ सब पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम का ही ये पार्ट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब प्रोग्राम्स को छोटे पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग रख रहे हैं, उसी में रहेगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह उसको बना के रख दे रहे, और जब उस प्रोग्राम को कहीं भी जरूरत है तो हम उसको यूज कर रहे हैं। विच कैन बी रीयूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो बेसिकली फंक्शन कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज होता है। मतलब एक ही कोड को हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसको बार बार कोड को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो उससे प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा, आप रिड्यूस होगा, आपका टाइम भी जो जा रहा है वो भी आपका रिड्यूस होगा, है ना। कोड रीयूजेबिलिटी, कोड मॉड्यूलरिटी, ये सभी के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि हम लोग किसका यूज करते हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, कोड एक ये भी इम्पोर्टेंट है, कोड रिडंडेंसी। कोड रिडंडेंसी को भी आपका क्या करता है, रिड्यूस करता है। रिडंडेंसी का मतलब क्या हो गया, डुप्लीकेसी या रिपीटेशन हम बोल सकते हैं इसको, है ना। तो बार बार किसी चीज को हमको यहाँ पर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास फंक्शन नहीं रहता, तो सोच लीजिए कि ये जितने लाइन का कोड है, अगर आपको एक एक प्रोग्राम में 5 बार आपको सम करने की जरूरत पड़ रही है कहीं पे भी पूरे प्रोग्राम में, तो आपको 5ों बार ये पूरा कोड लिखना पड़ता, तो क्या होता, कोड का वहां पे, प्रोग्राम का वहां पे क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, तो वहां पे एरर आने की चांसेस बढ़ेगी। मतलब इसी वजह से हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे, तो हम सिर्फ एक जगह पे ये पूरा कोड लिख देंगे,
और उसका कुछ एक नाम दे देंगे, और जब भी हमको उसको यूज़ करना होगा तो हम उसके नाम को कॉल कर लेंगे, तो वो एक्सेस हमारा हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो पोर्ट रिडंडेंसी, पोर्ट रियूजबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं, आपका रिडंडेंसी को ये दूर करता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ये भी होता है, आपका मेमोरी का भी बेटर यूटिलाइजेशन होता है, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। ये सब आपका फंक्शंस का हम बोल सकते हैं कि यूज है, ये सब क्या है आपके यूजेस हैं, किसके फंक्शंस के यूजर्स है, ठीक है। अब ये तो फंक्शन का तो डेफिनेशन हो गया, अब फंक्शन का डेफिनेशन के बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको फंक्शन को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स देखते हैं कि किस तरीका से हम फंक्शन को लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पे हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन का इसका सिंटैक्स क्या होगा। सबसे पहले जो आपका रहता है वो फंक्शन का क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, फिर फंक्शन का नेम होता है, और यहां पे ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर लिस्ट। रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट, उसके बाद यहाँ पे बॉडी ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन का बॉडी, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आपको जो भी फंक्शन जब कोड लिखना होगा वो आपका यहाँ पे कोड होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है, उसका रिटर्न टाइप मान लीजिए वॉइड है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करें फंक्शन का नेम। तो मान लीजिए अगर हमको दो नंबर को सम करना है, तो दो नंबर को सम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फंक्शन का कुछ यहाँ पे नाम रख देंगे। मान लीजिए हम फंक्शन का नाम रख दिए सम, तो ये फंक्शन का नाम हो गया, और कुछ इसका रिटर्न सॉरी पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट जैसे मान लीजिए हम ऐसा कुछ लिख दिए इंट ए और इंट बी, ठीक है, और जो भी हमको यहाँ पे कोड लिखना है यहाँ पे पूरा कोड रहेगा। ठीक है, तो वॉइड जो हो गया वो क्या हो गया, वॉइड जो हो गया ये इसका रिटर्न टाइप हो गया। सम क्या हो गया, ये फंक्शन का नेम हो गया, और ये आपका ये क्या हो गया पैरामीटर हो गया, ठीक है, पैरामीटर लिस्ट हो गया। अगर एक चीज नोट में आप देख लीजिए, फंक्शन जो होता है बाय डिफॉल्ट आप उसका जो रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है इंट, बाय डिफॉल्ट फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है इंट होता है। मतलब अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो वो क्या कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप, बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इज इंट। ठीक है, इंट आपका रिटर्न टाइप है, किसका फंक्शन, ध्यान रखिएगा अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो मतलब वो कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा, कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो वो इंटीजर वैल्यू इंट रिटर्न करेगा। क्लियर है, तो ये क्या हो गया आपका जैसे एग्जांपल हो गया कि क्यों ये क्या रिटर्न टाइप हम किसको बोल रहे हैं। अब यहाँ पे वॉइड है, इंट है, कुछ भी आप यहाँ पे जो भी आपको रिटर्न जिस तरह का वैल्यू कराना है आप उस तरीका से लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वॉइड हम लिखे, यहाँ पे हम इंट भी लिख सकते हैं। सम क्या हो गया, फंक्शन का नेम हो गया। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं जो फंक्शन का नेम होता है वो मीनिंगफुल नेम होना चाहिए,
आप लोग क्लास 11th में भी पढ़े हो कि हमेशा जो कोई कोड हम लिखते हैं तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। उसका नाम मीनिंगफुल होने से क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम का रीडेबिलिटी है वो आपका बढ़ता है, आपको खुद समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सम कर रहे हैं और यहाँ पे नाम हम कुछ और दे दिए, तो आप ही बाद में भूल जाओगे कि ये सम, ये जो फंक्शन हम बनाए थे इसका काम क्या है, आपको खुद ध्यान नहीं रहेगा। इसीलिए अगर जैसे हम यहाँ पे सम लिखे तो हम जान रहे हैं कि अच्छा हम 2 नंबर को सम करने का यहाँ पे प्रोग्राम बनाए हैं, मतलब फंक्शन बनाए हैं। उसी तरह आप सम लिख सकते हो, ऐड लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, मतलब मिलता जुलता नाम मीनिंगफुल नेम आप दो तो ज़्यादा बेटर हो। मान लीजिए आप यहाँ पे सम करो और आप दे डाल दिए मल्टीप्लाई, आप खुद कंफ्यूज हो गए कि करना क्या है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि हमेशा फंक्शन का नाम जो होना चाहिए वो मीनिंगफुल आपका होना चाहिए। क्लियर है? तो ये तो हो गया फंक्शन का डेफिनेशन हो गया, फंक्शन का सिंटैक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स से हम लोग देखते हैं। तो फंक्शन के टाइप्स देख लेते हैं कि फंक्शंस हमारा कौन कौन से टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फंक्शन के टाइप्स। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शंस हमारे 2 तरीका का होता है। एक आपका होता है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा आपका जो होता है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन क्या है। इसको हम लोग उतना डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि 11th में आपने सभी बिल्ट इन फंक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। मेन हम लोग को जो सीखना है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन सीखना है ज्यादा। बिल्ट इन फंक्शन किसको बोल रहे हैं? तो बिल्ट इन फंक्शन उसको बोल रहे हैं जो पहले से फंक्शन आपका बना हुआ आता है, उस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, पहले से बना आता है, जैसे मतलब कि कुछ फंक्शंस पहले से हम लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि हम उसको प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज कर सके, तो उस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं? बिल्ट इन फंक्शंस बोल रहे हैं। मतलब कि आपका ये पहले से फंक्शंस आपका दिया हुआ रहता है, अब आपको बस जानना है कि किस फंक्शन का क्या यूज है और उसको किस तरीके से प्रोग्राम में हम यूज करते हैं। तो जैसे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस से अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे आपका POW, POW मतलब पावर निकालने के लिए भी आपका पहले से फंक्शन दिया हुआ है। कोई भी फंक्शन है तो उसके आगे देखिए आपका इस तरह से ब्रैकेट दिया रहता है। POW हो गया, SQRT हो गया, इज अपर, इज लोअर, एक्सेट्रा, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फंक्शन है तो आगे ध्यान रखिएगा। जैसे POW, ये POW फंक्शन का क्या यूज है? ये पावर निकालने के लिए यूज होता है। उसी तरह स्क्वायर रूट, SQRT स्क्वायर रूट के लिए हम लोग यूज करते हैं। इज अपर मतलब हम लोग कैरेक्टर्स को अपर केस में करने के लिए इज अपर का यूज करते हैं। इसमें लोअर केस में करने के लिए यूज करते हैं, मान लीजिए अपर केस है उसको लोअर केस में कर रहे हैं, इसमें लोअर केस उसको अपर केस में कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हम लोग को पहले से कुछ बहुत सारे आपके फंक्शंस सॉरी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, तो उसमें से कुछ जैसे ये है, जैसे POW, SQRT, इज अपर, इज लोअर, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम यूज़ कैसे करेंगे प्रोग्राम में? तो जैसे हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो कौन कौन सा हम लोग ने देखा है हेडर फाइल? हैश इंक्लूड,
iostream.h, hash include, ponio.h है ना। फिर हम मेन फंक्शन बनाते हैं void main, और उसके बाद हम जो भी कोड है वहां पे हम लिखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए गेट सी एच। अब क्या है कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम हेडर फाइल क्यों इंक्लूड करते हैं? अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कुन्यो डॉट एच यूज़ नहीं किए और यहाँ गेट सी एच फंक्शन का हम यूज़ किए हैं, तो क्या होगा कि आपको ये गेट सी एच पूछेगा कि ये क्या है, उसको नहीं समझ में आएगा। उसी तरह अगर हम सी इन सी आउट का यूज़ करते हैं, सी इन और या सी आउट का यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, तो अगर हम यहाँ पे आई ओ स्ट्रीम डॉट एच नहीं लिखेंगे, ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे, तो सी इन क्या है सी आउट क्या है वहाँ पे भी आपको एरर आ जाएगा कि बोलेगा सी इन क्या सी आउट क्या है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कुछ यूज़ करते हैं, कोई फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो क्या होता है कि वो क्या काम कर रहा है या क्या है वो उसका लाइब्रेरी में आपका रहता है, ठीक है। तो जैसे गेट सी एच अगर हम लिखे तो इसका जो भी जो काम है, तो अगर हम कोई उसका हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो उसको समझ में आएगा गेट सी एच क्या है। उसी तरह अगर हम मान लीजिए पी ओ डब्ल्यू फंक्शन का अगर हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, पी ओ डब्ल्यू फंक्शन का अगर हम प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे कोई हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो पी ओ डब्ल्यू क्या है उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो बस ध्यान रखिएगा, सबका हेडर फाइल आपको याद होना चाहिए। अगर आप पी ओ डब्ल्यू फंक्शन यूज़ करें तो इसके लिए एक हेडर फाइल आता है आपका मैथ डॉट एच, तो आप हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच आप लिखोगे तब जाके ये पी ओ डब्ल्यू को समझ में आएगा। अब इस पी ओ डब्ल्यू के अंदर आपका पूरा, अगर मान लीजिए हम आपको बोलेंगे पावर निकालने का प्रोग्राम बनाओ, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप बना लोगे। आप क्या करोगे, नंबर मान लीजिए जो भी लोगे उसको दो बार इंटू करोगे, मतलब स्क्वायर उसका निकालोगे और उसके बाद आप उसको बना लोगे। लेकिन उस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमको वहाँ पे 5-6 लाइन लगेगा, कोड करना पड़ेगा। तो अगर हम डायरेक्टली फंक्शन है हमारे पास पी ओ डब्ल्यू फंक्शन है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इस फंक्शन का यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करवाएंगे और हमारा जो भी नंबर हम डालेंगे उसका वो पावर निकाल के हमको दे देगा, ठीक है। तो बस ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, उसके लिए हम लोग को उसका हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। अब ये जैसे उसी तरह एस क्यू आर टी है तो उसके लिए भी मैथ डॉट एच का यूज़ होता है। जैसे इज अपर है तो इसके लिए होता है सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे होते हैं फंक्शंस जो कि बिल्ट इन फंक्शंस है दिए हुए, बस आपको जब भी प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें आपको उसको इंक्लूड करना पड़ता है, आप जब भी कोई फंक्शन का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए बिल्ट इन फंक्शंस हो गए, ठीक। अभी सभी को हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अब हम लोग देखते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन किसको बोल रहे हैं हम लोग, सेकेंड है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम यूजर डिफाइंड बोल रहे हैं जो फंक्शन यूजर अपने से बनाता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाता है, उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब यूजर जो बना रहा है, ये क्या था, ये बन के आया हुआ था, इसलिए बिल्ट इन, ये यूज़र डिफाइंड, मतलब यूज़र इसको अपने से बना रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब हम फंक्शन क्यों बना रहे हैं तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इट इज़ यूज बेसिकली यूज फॉर कोड रीयूजबिलिटी, कोड को हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं फंक्शंस को बनाते हैं, ठीक है। चलिए छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से हम फंक्शन बनाएंगे, सिंटैक्स हम आपको बता चुके हैं। चलिए एक बस सिंपल सा छोटा सा एक प्रोग्राम बना रहे हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच,
अब देखिए एक छोटा सा वेब प्रोग्राम बनाए, मान लीजिए हम वेलकम टू सी प्लस प्लस हमको प्रिंट करना है, ठीक है, हमको मान लीजिए प्रिंट करना है वेलकम टू सी प्लस प्लस, ये हमको मान लीजिए एक से ज्यादा बार बहुत सारी जगह पे प्रिंट करना है, तो हम सोचिए क्यों ना हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, तो फंक्शन चलिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो हम आपको क्या बताए थे void, अब यहाँ पे हम एक फंक्शन का नाम रख देते हैं, तो फंक्शन का नाम मान लीजिए हम रख दिए वेलकम, ठीक है, इस फंक्शन का नाम हम क्या रख दिए वेलकम, ये क्या हो गया आपका रिटर्न टाइप हो गया, ये क्या हो गया आपका फंक्शन का नेम हो गया, और यहाँ पे हम अभी फिलहाल इसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं कराएंगे हमको, क्योंकि सिंपली क्या करना है सिर्फ हमको प्रिंट कराना है वेलकम टू सी प्लस प्लस, तो यहाँ पे कोई पैरामीटर हम पास नहीं करा रहे हैं। अब यहाँ पे एक सी आउट करते, सी आउट मैसेज प्रिंट करा देते हैं वेलकम टू सी प्लस प्लस, ठीक है, वेलकम टू सी प्लस प्लस और ब्रैकेट क्लोज, ये तो आपका बन गया फंक्शन, किस नाम का फंक्शन बना वेलकम। अब कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो कहाँ एग्जीक्यूट होता है आपके मेन फंक्शन में, हमको तो एक मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा ना, तो हम लिखेंगे void main, और main के बॉडी के अंदर अब हम क्या करेंगे फंक्शन को कॉल करेंगे, तो फंक्शन का नाम क्या है वेलकम, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, बस हम यहाँ पे सेमी कोलन से टर्मिनेट करेंगे, यहाँ पे गेट सी एच और यहाँ पे ब्रैकेट आपका क्लोज, ठीक है, गेट सी एच एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम एक मेन फंक्शन बनाए जिसमें यहाँ पे हम क्या किए वेलकम, वेलकम क्या है ये फंक्शन का नाम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखे, यहाँ पे दो ब्रैकेट लगाए और सेमी कोलन से टर्मिनेट कर दिए, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कुछ आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट आपका नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गया ये किस क्या हम लोग बोलते हैं कॉलिंग, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का क्या हो रहा है कॉलिंग हो रहा है, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे जो हम फंक्शन बनाए हैं जो लिखे void welcome, ये क्या है फंक्शन का डेफिनेशन है, ये फंक्शन का क्या है डेफिनेशन, ठीक है, ये फंक्शन का डेफिनेशन है, ये कॉलिंग फंक्शन का कॉलिंग है। अब देखिए कैसे काम करेगा, देखिए प्रोग्राम कोई भी हमारा एग्जीक्यूट होता है वो कहाँ हाफ तो होता है मेन फंक्शन के अंदर, तो मेन फंक्शन में आया यहाँ पे देखिए क्या है आपको वेलकम, ये वेलकम आपका कॉल हुआ, तो वेलकम कॉल हुआ तो क्या आ गया ये आपका कमांड कहाँ चला गया ये वेलकम के पास गया, यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर आया वेलकम, यहाँ लिखा वेलकम टू सी प्लस प्लस, जो आपका आउटपुट होगा वो क्या लिखा रहेगा वेलकम टू सी प्लस प्लस, तो देखिए हमको प्रोग्राम में पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी अगर हमको ये प्रिंट कराना होगा तो अब हमको ये पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो जस्ट एक लाइन का कोड है आपको नहीं पड़ेगी, आप क्या करोगे सिर्फ और सिर्फ आप इस फंक्शन का नाम लिख के इस तरह से लिख दोगे जहाँ पे भी मेन फंक्शन के अंदर, तो ये इस वेलकम को यहाँ पे क्या कर देगा कॉल कर देगा और आपका ये वेलकम टू सी प्लस प्लस आपका प्रिंट हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कोड का आपका क्या हुआ रियूजिबिलिटी हुआ, है ना, आपको एक ही कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका कोड का वहाँ रिडंडेंसी भी नहीं होगा, है ना, डुप्लीकेसी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपको एक ही कोड को 10 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया फंक्शन का यूजर डिफाइंड फंक्शन में फंक्शन का कॉलिंग हो गया, कहाँ पे कॉलिंग होता है हमेशा हमेशा कॉलिंग जो हम करते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर होता है, फंक्शन का जो कॉलिंग होता है वो कहाँ होता है मेन फंक्शन में, और फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया ये जो हम फंक्शन को बनाए ये फंक्शन का क्या कहलाता है फंक्शन का डेफिनेशन कहलाता है, ठीक है, तो ये आपको बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन समझ में आया क्या हो गया, तो जो फंक्शंस
पहले से बन के आते हैं वो कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, और जो फंक्शन यूजर अपने सहूलियत के हिसाब से अपने से बनाता है उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। अगर मान लेते हम यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हेलो, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता, वेलकम नहीं लिखते, एरर आ जाता। हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हेलो। तो ये किसको कॉल करेगा, ये इसको कॉल करेगा, और इसको कॉल किया इसके बॉडी के अंदर आपको ये मिला। हम और भी कुछ मैसेज प्रिंट कराएंगे तो इसके अंदर अगर लिख देंगे तो वो उसको कॉल, ये इसके बॉडी के अंदर आएगा, जो जो मेरा सी आउट मैसेज में है तो उसको वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन आपका हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को और कंटिन्यू करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।